ब्लैक रॉक एक लीडर। अगर मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात करूं, आसान शब्दों में किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की बात करूं, ब्लैक रॉक से बड़ी कंपनी कोई है ही नहीं। इनके पास एक ऐसा एआई ट्रेडिंग टूल है जिसके पीछे सब पड़े हुए, ये दुनिया का 25% पैसा तक संभाल रहे हैं। ब्लैक रॉक वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। आज मैं आपको बताऊंगा ब्लैक रॉक की कहानी क्या है, ब्लैक रॉक शुरू कैसे हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई, और मैं आपको बताऊंगा इनके फाउंडर के बारे में, लैरी फिंक। वीडियो के एंड तक आपको ये जरूर समझ आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट्स आर यू बॉर्न विद इट या फिर हार्ड वर्क यहाँ काम करता है। और वीडियो के बाद ये तो पक्का समझ आ जाएगा कि एक तगड़ा इन्वेस्टर ना 50 डाउनटर्न देखने के बाद ही खड़ा होता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्लैक रॉक। तो कहानी पहले आज से शुरू करते हैं। आज ब्लैक रॉक इज द बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन द वर्ल्ड। ब्लैक रॉक करती क्या क्या है? रिस्क मिटिगेशन करती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करती है, रिटेल के लिए भी करती है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए भी करती है। और ये कंपनी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में है, बॉन्ड्स में है, इक्विटीज में है, डेरिवेटिव्स में है, गोल्ड में है। दे आर ऑलमोस्ट इन एवरी डोमेन ऑफ फाइनेंस जो हम इमेजिन कर सकते हैं। आपको पता है अगर मैं इस कंपनी का देखूंगा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कि ब्लैक रॉक इतनी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, कितने पैसे अपने नीचे मैनेज कर रही है, तो इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है अपवर्ड्स ऑफ $10 trillion। ये $10 trillion इतना बड़ा फिगर है कि सिर्फ दो देश हैं जिनकी GDP $10 trillion से ज्यादा है। पहला है USA, सेकंड है चाइना। और मार्केट वॉच ने एक रिसर्च की थी, उन्होंने फाइंड आउट किया था कि पूरी दुनिया में कितना पैसा है, दैट इज ऑफ $40 trillion। ब्लैक रॉक का AUM इज मोर देन $10 trillion, तो ये दुनिया का 1/4 पैसा संभाल रहे हैं। बट ये सिचुएशन इनकी आज है। शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, और वो भी ब्लैक रॉक से नहीं, इनके फाउंडर की शुरुआत से। चलिए, ये है लैरी फिंक, द पर्सन हु चेंज्ड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। अब इनके बारे में जानते हैं। लैरी फिंक ये एक बहुत बड़ा नाम है इन द फाइनेंस इंडस्ट्री, बट ये ज्यादा न्यूज में रहते नहीं है। और अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया की न्यूज में तो बिल्कुल नहीं रहते, जहां पे ज्यादातर इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स इनके बारे में जानते भी नहीं है। अब फिंक की कहानी शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। इनकी शुरुआत बड़ी ही मॉडर्स्ट बैकग्राउंड से हुई, जहां पे इनके फादर जूतों की दुकान थी और मदर एक इंग्लिश की टीचर थी। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया BA इन पॉलिटिकल साइंस में, और फिर किया MBA इन रियल एस्टेट। अब इनका पहला मौका वॉल स्ट्रीट में आया एट द एज ऑफ 24, जब इन्होंने फर्स्ट बोस्टन ज्वाइन की एट $20,000। अब अगर आप ये पे स्केल देखोगे, ये बुरा बिल्कुल भी नहीं है, बट बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है। एट द एज ऑफ 24 लैरी फिंक हर एक लड़के की तरह एक लड़के थे जिनको वॉल स्ट्रीट में नौकरी मिली थी और दिमाग में बहुत बड़े बड़े सपने और एम्बिशंस थे। जिन लोगों को नहीं पता, फर्स्ट बोस्टन एक बहुत रेप्यूटेड इन्वेस्टमेंट बैंक था और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता था, और बाद में फर्स्ट बोस्टन को क्रेडिट सूज ने टेक ओवर कर लिया था। अब फिंक बहुत हार्ड वर्किंग थे और घंटों घंटों लगातार काम करते रहते थे, और उनका मेन काम होता था मॉनरोई कैलकुलेटर पे। आप ये डिवाइस देख रहे हो, आपको लगेगा क्या एलियन इक्विपमेंट डिवाइस है, बट उस टाइम का ये बेस्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर होता था और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स टू यूज। फिंक के मैनेजर्स ने ये फिंक के बारे में ऑब्जर्व किया, देखो यार ये लड़का ना मेहनती बहुत है, और फिंक को फिर वो स्पेसिफिकली ग्रूम करने लग गए, बिकॉज उनको लगा कि लैरी फिंक कैन बी वन डे द CEO ऑफ फर्स्ट बोस्टन। लैरी फिंक को काम करते हुए 3 साल हो गए थे और उनके अंडर फर्स्ट बोस्टन का रेवेन्यू बढ़ गया था बाई $1 million। और ऐसे ही बहुत सारे डील्स में, बहुत सारी ट्रांजैक्शन में जहां पे फिंक का इन्वॉल्वमेंट होता था, वहां पे फर्स्ट बोस्टन ने बहुत ज्यादा और हेल्दी प्रॉफिट कमाए। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि लैरी फिंक फर्स्ट बोस्टन में भगवान के किरदार पे आ गए थे, लोग उनकी तारीफों की पुल बांधने से थकते ही नहीं थे। एंड एट द एज ऑफ 27 इनको बना दिया था चीफ एग्जीक्यूटिव। एंड माइंड यू, फर्स्ट बोस्टन में ही वाज द यंगेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ओनली एट द एज ऑफ 27। चैप्टर नंबर 2, फ्रॉम गॉड टू बीइंग फायर्ड। अर्ली 1980s US स्टॉक मार्केट्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज था। इस फेज में दो चीजें बड़ी नोटिस की गई थी। सबसे पहला, अब ट्रेडिंग जो डेस्क थी उसमें अब मैकेनिकल कैलकुलेटर्स नहीं होते थे, अब आ गए थे कंप्यूटर्स। और ये बड़ा कॉमन हो गया था कि हर ट्रेडिंग डेस्क में आपको एक ना एक कंप्यूटर तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी उस समय बहुत नई थी, बट वो इतनी कन्वीनियंट थी कि इट वॉज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। दूसरी चीज, अर्ली 1980s में US मार्केट्स में इंट्रोड्यूस हुए डेरिवेटिव्स, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की। अब जब ये मार्केट्स में आए
ये इजी टू अंडरस्टैंड बिल्कुल भी नहीं थे, जो आज भी इतनी इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। और लोगों का इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट था, तो उनको समझना था क्या है, लोगों को उसको यूज करना था। अगर लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है तो जो बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनके तो मुंह खुले के खुले रह गए। क्यों? ये मौका था फ्यूचर ऑप्शंस बड़े बड़े पैसे छापने का, और फर्स्ट बॉस्टन भी उन्हीं AMCs की लिस्ट में था। तो इसको लीड किया लैरी फिंक की टीम ने। लैरी फिंक ने अपनी टीम के साथ एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने पहले तो पूरा डेटा एनालिसिस किया जो कंप्यूटर्स उनके पास अवेलेबल थे, और स्ट्रैटेजी ये बनाई कि वो US ट्रेजरी बॉन्ड्स के पुट ऑप्शंस सेल करेंगे। तो एसेंशियली इसका मतलब क्या हुआ, लैरी फिंक चाहते थे कि US के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं या तो वो सेम लेवल पे रहे या गिर जाए। अब आगे बढ़ने के पहले एक बार मैं आपको समझाता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या था। सबसे पहला इनका प्लान था कि ये पुट ऑप्शंस बेचेंगे। अब पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि आप बेट कर रहे हो कि वो चीज नीचे आएगी, मार्केट्स नीचे आएंगे, या इस स्पेसिफिक केस में बॉन्ड्स की वैल्यू नीचे आएंगे। अब वो पुट्स को सेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो सेल पहले कर रहे हैं और बाय बाद में करेंगे। इसका मतलब कि दे आर बेटिंग कि ट्रेजरी बॉन्ड्स की वैल्यू और भी ऊपर जाए। अब अगर बैंक इंटरेस्टेड, सेविंग्स अकाउंट में भी अप्लाई होता है, अब अगर फेड ने उस समय बैंक इंटरेस्टेड को उसी लेवल पे रखा या उससे नीचे ले आए तो होगा क्या, इन्वेस्टर्स यहां से अपनी सेविंग्स हटा के ट्रेजरी बिल्स निकाल देंगे, ये होगा ट्रेजरी बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। दिस वॉज द सिंपल स्ट्रेटजी। फिर आया जजमेंट डे, बट हुआ एकदम उल्टा। फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट और बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि उस समय US में इन्फ्लेशन हो रहा था, तो फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और फर्स्ट बॉस्टन लॉस्ट मनी लाइक क्रेजी। क्यों? उनकी हाईली लेवरेज सिचुएशन थी, ये बहुत रिस्की बेट था जो लिया था, और मनी इन्वेस्टेड वो इतना ज्यादा था कि इंटरेस्ट रेट एक एक डेसिबल पॉइंट भी ऊपर नीचे जाए ना, फर्स्ट बॉस्टन वॉज ब्लीडिंग मनी लेफ्ट राइट एंड सेंटर। और इस सब का ब्लेम, सारी फिंगर्स कहां पॉइंट हुई, लैरी फिंक की तरफ। जिस आदमी को भगवान माना जा रहा था उसी आदमी को आज गालियां दी जा रही थी। He was embarrassed, सिर्फ फर्स्ट बॉस्टन में नहीं, इन द entire फाइनेंस इंडस्ट्री, इन द entire वॉल स्ट्रीट। लैरी फिंक could not digest it। उन्होंने देखा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई, उन्होंने हर चीज बैक ट्रैक की। और आपको बताए प्रॉब्लम हुई क्या थी, प्रॉब्लम ये हुई थी कि लैरी फिंक की टीम ने जब वो नंबर्स रन कर रहे थे इन द कंप्यूटर, तो Q2 ऑफ 1996 के नंबर्स में ना कुछ मिसकैलकुलेशन हो गई थी, एक स्मॉल टेक्निकल एरर हो गया था, जिसकी वजह से उनका डेटा उनको क्या बता रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, बट ये पूरी मिसकैलकुलेशन हुई और फैक्ट में हुआ क्या कि इंटरेस्ट रेट्स घट गए। यू माइट से, और जो मैं भी सोचता हूं, कि इसमें लैरी फिंक की गलती नहीं थी, ये तो टेक्निकल एरर था, टीम के बिहाफ पे बात हुआ जो बहुत माइन्यूट था, पर फर्स्ट बॉस्टन उनको इससे मतलब नहीं था, बिकॉज़ दे हैड लॉस्ट $100 million। लैरी फिंक देयर एंड देन गॉट फायर्ड। फिंक के दोस्तों ने यह बताया, उस समय फिंक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बिकॉज यहां पे फिंक की सिर्फ नौकरी नहीं गई थी, उनकी इतने सालों की कमाई गई इज्जत सब खत्म। और फिंक ने ये अपने ऊपर ले लिया था कि मुझे दुनिया को प्रूफ करना है कि आई एम केपेबल। और फिर उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई और उस स्ट्रैटेजी के साथ शुरू की एक AMC जो बनने वाली थी दुनिया की नंबर वन AMC इन द वर्ल्ड। ये थी शुरुआत BlackRock। 1988, ये वो साल था जब फिंक ने अपने 8 कोलीग्स को इकट्ठा किया, बैंक से $5 million लोन की तरह लिए और फिर शुरू की अपनी खुद की एसेट मैनेजमेंट कंपनी BlackRock। अब आगे की कहानी समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस समय हम US की इकोनॉमिक सिचुएशन समझें। अब अगर आप आते हो लेट 1980s में, अर्ली 1990s में, उस समय US में थी द SNL क्राइसिस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आज भी आप गूगल करो एक बार SNL क्राइसिस, आपको भर भर के आर्टिकल्स मिलेंगे। तो बेसिकली SNL का मतलब होता है सेविंग्स एंड लोन एसोसिएट्स। तो ये ब्रॉडली बैंक्स हो गए, जो भी आपसे सेविंग्स ले रहे हैं या आपको लोन दे रहे हैं, जो भी आपसे डिपॉजिट ले रहे हैं, SNL एसोसिएट्स। अब लेट 1980s में, अर्ली 1990s में US ने ना इन पे रेगुलेशंस बहुत ज्यादा कम कर दी, इनको डीरेगुलेट कर दिया। और जब डीरेगुलेट हो गया, इसका मतलब जो SNL एसोसिएट्स हैं अपने डिपॉजिटर्स का पैसा और रिस्की एसेट्स में डाल सकते हैं। रिस्की एसेट में डालेंगे, ज्यादा प्रॉफिट की संभावना है, तो ऑब्वियसली SNL तो बहुत कमाने वाले। और मेजॉरिटी SNLs ने उस समय यही किया, सारे डिपॉजिटर्स के पैसे बहुत रिस्की एसेट्स में डाल दिए। बट अनफॉर्चुनेटली फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट और बढ़ा दिए, बिकॉज ऑफ विच SNL की हालत और खराब हो गई और ये पूरा क्राइसिस हो गया कि बैंक्स के पास पैसे ही नहीं है वापस लौटाने के लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ द SNLs आ गए क्राइसिस में, और यही है द SNL क्राइसिस। अब पिक्चर में आता है FDIC,
फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू यूएस लॉज, ये FDIC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डिपॉजिट्स है ना वो ये इंश्योर करेंगे। तो अगर SNL कोलैप्स होते हैं, पैसा किसको देना पड़ेगा? FDIC। अल्टीमेटली पैसा किसका जाएगा? टैक्स पेयर्स का। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए FDIC ने हायर किया BlackRock को। BlackRock का सिर्फ एक काम था कि SNL का लॉस कम से कम करवाए, सो दैट जो टैक्स पेयर्स का पैसा SNL को बचाने में लगेगा वो कम से कम हो। तो BlackRock ने सबसे पहले सारे SNL के ना हर टाइप के एसेट्स को अपने सामने लिस्ट किया। सेकंड उनका काम था ये देखने का कि हर एसेट में कितना रिस्क जुड़ा हुआ है और हर एसेट की एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू क्या है, और उसके हिसाब से BlackRock को ये डिसाइड करना था कि कौन से एसेट को होल्ड करें और कौन से एसेट को बेचें। ऑब्जेक्टिव सिंपल, कम से कम SNL का लॉस हो, सो दैट टैक्स पेयर्स के पैसे SNL को बचाने में कम से कम यूज हो। और BlackRock ने उसमें इतना अच्छा काम किया, आपको ये सिर्फ इस फिगर से समझ आ जाएगा कि BlackRock का AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट इन 1991 वाज $9 बिलियन, इन 1992 इट बिकेम $17 बिलियन, एंड इन 1994 इट बिकेम $53 बिलियन। आप इनका एक क्लाइम देख रहे हो, और ये सब BlackRock ने किया अपने एक सीक्रेट वेपन से, और उस वेपन का नाम था अलादीन, BlackRock का खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। अब हम आते हैं साल 2008 में। इस टाइम पे फिंक सिंगापुर जा रहे थे, वो फ्लाइट में थे, और सिंगापुर लैंड होते ही उन्हें ये पता चला कि 2008 क्राइसिस, जो पूरा रियल एस्टेट बस्ट हो गया है, उसके वजह से लेमन ब्रदर्स खत्म हो रहा है। 2008 क्राइसिस कैसे इसमें US फंसा, कैसे निकला और क्या क्या इफेक्ट्स हुए, इस ट्रेमेंडस लेमन ब्रदर्स इतना बड़ा बैंक साफ हो गया। अगर आपको इस पे भी एक पूरी केस स्टडी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके लिख दीजिए 2008 क्राइसिस, गोयला समझ जाएगा। जैसे ही फिंक को लेमन ब्रदर्स की न्यूज मिली, वैसे ही इमीडिएटली वो दोबारा US गए। US जाके उन्होंने पॉलिटिशियंस को कनेक्ट किया एंड ये बोला, एंड आई कोट, द शिट इज हिटिंग द फैन, यू रियली नीड टू डू समथिंग नाउ। हालत खराब थी, इसमें कोई डाउट की बात थी ही नहीं। US मार्केट्स कोलैप्स कर रहे थे, जिसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट्स भी कोलैप्स कर रहे थे। इस टाइम पे फेडरल रिजर्व ऑफ NYC, उनके पास 30 बिलियन के एसेट्स थे ऑफ बेयर स्टर्न्स एसेट्स। बेयर स्टर्न्स एसेट्स ना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्लोबल बैंक, मैं उसको बोलूंगा, जो ऑफ कोर्स 2000 में खत्म हो गया। 30 बिलियन के एसेट्स थे उस बैंक के पास, बट बेयर स्टर्न्स ना अपना वो उन एसेट्स को वैल्यू ही नहीं कर पाते, उन एसेट्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट ने फिंक को अपॉइंट किया और ये बोला कि इनके $30 बिलियन के एसेट्स तुम संभालो, और फिंक ने वो सारे एसेट्स मैनेज किए अलादीन से। और बस इतना ही नहीं, अलादीन जो सॉफ्टवेयर था ना, उसके बाद ट्रेजरीज ने लिया, बैंक्स ने लिया, और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उन्होंने भी यूज किया। अलादीन सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा पावरफुल प्रूव हुआ कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2000 में हमें दिखी थी ना, अगर अलादीन नहीं होता, दैट क्राइसिस वुड हैव बीन 3 times worse। इस अलादीन सॉफ्टवेयर को सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने रिकॉग्नाइज किया और इसी सॉफ्टवेयर को इतनी ज्यादा प्रेस्टीजियस प्लेस दी कि फिर BlackRock को एक फ्री रेन मिल गया कि $2 trillion तक जो करना है वो तुम डिसाइड करो। लैरी फिंक जो बदनाम हो गए थे, जिनको ह्यूमिलेट किया गया था, उन्होंने ही अपने कंट्री को एक इकोनॉमिक डिजास्टर से बचा लिया। इसके बाद 2009 में BlackRock ने ई फ्रंट को परचेज कर लिया फॉर $1.3 बिलियन, और उसी साल 2009 में Barclays ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी अक्वायर कर लिया फॉर $13.5 बिलियन, और BlackRock बन गई दुनिया की सबसे बड़ी AMC इन द वर्ल्ड। और अब ना एक बार मैं आपको अलादीन के बारे में बताता हूँ। अलादीन मतलब एसेट्स लाइबिलिटी डेट डेरिवेटिव्स इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। ये जो उनका सॉफ्टवेयर है, अब विद टाइम इतना मैच्योर हो गया है, इसको लगते हैं 5000 सुपर कंप्यूटर्स चला। और ये सॉफ्टवेयर सिर्फ फिंक ने नहीं बनाया, ये सॉफ्टवेयर बनाए बाय एक्सपर्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स। जहां पे चाहे कोई भी मार्केट हो, चाहे कोई भी एसेट हो, हर रोज के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एंट्रीज एंड डेटा पॉइंट्स अलादीन पे अपडेट होते रहते हैं, और अलादीन उनको स्टडी करता रहता है टू गेट इवन मोर बेटर। और आज के दिन अलादीन हाफ ऑफ ऑल द एक्सचेंज ट्रेड फंड्स जो भी है वो अलादीन संभालता है, 17% ऑफ द बॉन्ड मार्केट अलादीन संभालता है, 10% ऑफ स्टॉक मार्केट अलादीन संभालता है। और अगर आप सोच रहे हो कि आप अलादीन सॉफ्टवेयर को बीट कर दोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ह्यूमनली जितनी एक इलेक्ट्रिक पल्स का टाइम लगता है ना हमारे ब्रेन से फिंगर्स पे जाने के लिए और ट्रेड डालने के लिए, विच इज फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीसेकंड, अलादीन उससे जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है। और अलादीन ना सिर्फ BlackRock नहीं,
200 institutions run करते हैं, जिसमें banks आते हैं, governments आते हैं, insurers आते हैं, corporations आते हैं और biggest of the financial institutions. अब क्या ये software openly available है कि आप और हम use कर पाएं? As of now, नहीं. But Aladdin का जो एक step है, जिसके वजह से Aladdin is better than all the software, because Aladdin किसको register करता है? Sentiments को, human behavior को, और उसके हिसाब से इसकी predictions और भी stronger होती है. अगर आपको समझना है कि स्टॉक मार्केट में ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, क्या वो सेम गलतियां हैं जो आदमी स्टॉक मार्केट में दोबारा करता है, ऐसा क्यों है कि स्टॉक मार्केट्स में 99 हारते हैं सिर्फ एक जीतता है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं मेरी स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी मास्टर क्लास में, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में. दिस कॉन्टेंट इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस, वी डू नॉट प्रोवाइड एनी बाय और सेल रिकमेंडेशंस, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ऑल द कंपनीज मेंशन इन द कंटेंट हैव नो एसोसिएशन विद अस अंटिल मेंशन अदरवाइज इन द वीडियो इटसेल्फ.